हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्पेसिफिक बिजली इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये SRA पे हमारा पहला लेक्चर होगा, ठीक है। तो SRA में क्या है, पहले लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि SRA का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो SRA 1963, इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको SRA बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी एक्ट होता है उसकी इन्फोर्समेंट डेट भी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देंगे, यूपी जुडिशरी देंगे या बिहार जुडिशरी देंगे, कहीं का भी, अगर उसमें 10 से 12 सब्जेक्ट आते हैं तो उसमें से एक दो क्वेश्चन इस पे जरूर आते हैं कि कोई भी एक्ट का वो इन्फोर्समेंट डेट पूछ देते हैं। तो इन्फोर्समेंट डेट भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो SRA का इन्फोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1963, ठीक है। 1 मार्च 1964 को ये इन्फोर्समेंट डेट है इसकी। तो ये 1964 में ये इन्फोर्समेंट में आएगा। एक चीज और कि अमेंडमेंट, अगर कोई रीसेंट अमेंडमेंट है तो वो अमेंडमेंट और उसकी अमेंडमेंट की इन्फोर्समेंट डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसको इसमें 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 अक्टूबर 2018। ये भी आपको याद करनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, SRA जो 1963 में आया, तो इससे पहले भी कोई ना कोई तो ऐसा एक्ट होगा जो इस पे डील करता होगा। तो इसने जो है SRA 1963 जब आया तो उसने रिप्लेस किया था SRA 1877 को, ठीक है। इससे पहले ये वाला एग्जिस्टेंस में था जिसको इसने रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अब SRA अमेंडमेंट, ये SRA जो है 3 पार्ट में 8 चैप्टर में 42 सेक्शंस में 1 शेड्यूल। ये जो 1 शेड्यूल है ये 2018 में ही जोड़ा गया है, जब ये अमेंडमेंट हुआ था तभी ये 2018 में जोड़ा गया था। इससे पहले कोई भी शेड्यूल इसमें नहीं था। तो अब आप पूछेंगे, विशाल भाई ये बताइए क्या ये याद करना जरूरी होता है? भाई कभी कभार क्वेश्चन इससे भी पूछ देते हैं, वो कुछ नहीं देंगे, सिंपली ये देंगे कि SRA में कितने पार्ट, कितने चैप्टर, कितने सेक्शंस हैं, ठीक है, और तुम्हें पहचानना होगा। तो ये भी याद करना जरूरी है। अब 42 ही सेक्शन है इसमें, आप इसका ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। ओवरव्यू में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, और 8 चैप्टर है। पार्ट 1 में प्रीलिमिनरी है जिसमें सेक्शन 1 से लेके 4 तक डील करता है। पार्ट 2 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक है और सेक्शन इसमें 5 से लेके 5 to 35 है। और प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में पार्ट 3 में दिया हुआ है जिसमें चैप्टर 7 और 8 है, इसमें सेक्शन 36 से लेके और 42 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली किस चीज पे डील करता है? अब ये देखिए, ये जानने के लिए आप एक एग्जांपल से समझिए। आप सोचिए, एक मिस्टर ए थे, उन्होंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक बी के पास एक हाउस था, उसको सेल करने के लिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने क्या कहा कि मैं अपना मकान तुम्हें 5 लाख में बेच दूंगा, ठीक है, दोनों में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हुआ, बी ने ये मकान बेचने से मना कर दिया। बाद में बी ने ये कहा कि भाई मैं तुम्हें मकान नहीं बेचूंगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस पर अपनी बात से चेंज होने लगा, वो नहीं बेच रहा है, उसे टाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो ए क्या कर सकता है, ए के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। पहला कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे वो क्या करे, जिसने ब्रीच किया ना बी ने, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे उस पर वो उसे या तो कंपनसेशन ले उससे, ठीक है, या तो उससे कंपनसेशन के लिए ले उससे। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या रहेगा, या वो इन्फोर्समेंट के लिए उसे कंपेल करें, ठीक है। क्या हुआ था, फिर से एक बार देख लो, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, बी ने कहा था कि मैं अपना एक घर 5 लाख रुपए में तुम्हें बेचूंगा, ठीक है, दोनों में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हुआ, बी ने बाद में बेचने से मना कर दिया, बी नहीं बेच रहा है। अब ये क्या करेगा, ये इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसके पास, ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो उससे कंपनसेशन ले, ठीक है, कि भाई तुम मुझे कंपनसेशन तौर पे 50,000 रुपए दो,
या वो उससे कहे नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करो, तुम ब्रीच नहीं कर सकते, ये मकान मुझे बेचो, ठीक है। अब इन दोनों चीजों में क्या होगा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा आ रहा होगा कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो ये एसआरए का क्या, इससे क्या लेना देना है, एसआरए में क्यों जा रहा है। देखिए भाई, अगर उसे कंपनसेशन चाहिए सिर्फ, तो फिर वो कहां जाए, कॉन्ट्रैक्ट में जाए। यहां पे 73 से 75, सेक्शन 73 से 75 में वो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसे इंफोर्स कराना है, अगर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ये इंफोर्स कराना है, उसे घर ही चाहिए, तो फिर वो एसआरए में आ सकता है। वो एसआरए के थ्रू अपना ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इंफोर्स करवा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसीलिए हम एसआरए में आते हैं। एसआरए को स्पेशली हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करवाना हो तो आप एसआरए में आइए, ठीक है। अगर सिर्फ कंपनसेशन चाहना हो या कोई उसे कोई उसके खिलाफ कोई पीनल एक्शन लेना हो, तो फिर आप कहीं और जाइए। एसआरए किस लिए बात करता है, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं या उसके साथ कंपनसेशन भी ऐड हो जाएगा, लेकिन बेसिकली अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराना है तो आप एसआरए में आइए, ठीक है। तो इतने में हम लोग देखते हैं, ये आपको समझ में तो आएगी होगी प्रॉब्लम। अच्छा, सेक्शन 73-75 लिखा है, तो आप लोग कमेंट करके ये मुझे बताइएगा कि 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73-75 में लीडिंग केस कौन सा है, ठीक है। बहुत लीडिंग केस है, आसानी से आप लोग कमेंट कर देंगे, और वैसे भी आप लोग होशियार भी काफी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हम इसमें ये देख लें कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये रिसेंट अमेंडमेंट 2018 का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 अक्टूबर 2018। दूसरा, इसी की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 मार्च 1964, ठीक है। और ये भी देख ध्यान रखना कि ये शेड्यूल जो इसमें है वो पहले से नहीं था, वो 2018 में ही जोड़ा गया है। तो ठीक है, इस पे अब स्टार्ट करते हैं आगे। अभी हम लोग प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पार्ट वन वाला अभी कर लेंगे, और फिर आगे अलग अलग मतलब अलग पार्ट में आएगा, फिर अलग लेक्चर्स में आएगा। हाँ, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि पार्ट वन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट वन में क्या था, सेक्शन 1-4 तक है, बहुत छोटा है। तो जैसा कि हर एक एक्ट में होता है, सेक्शन 1 बताता है इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, इसको हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहेंगे, एसआरए 1963। एक्सटेंड क्या है, जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है तब से इसका एक्सटेंड होल इंडिया हो गया, ठीक है। उससे पहले एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अब होल इंडिया की आदत डाल लीजिए। कमेंसमेंट क्या है, कमेंसमेंट डेट हम लोग देख ही चुके हैं, कमेंसमेंट डेट ये रही 1 मार्च 1964, ठीक है। अच्छा, इससे ही ये क्वेश्चन मुझे याद आया, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये कहां पे दिया हुआ है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहेंगे। कहने का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस आर्टिकल में शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब सेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन 2 ये बताता है डेफिनेशन की, ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट, ट्रस्ट, ट्रस्टी, और अगर कोई भी डेफिनेशन एसआरए में जो जरूरत पड़ती है किसी भी टर्म की, अगर वो इसमें नहीं दी हुई है, तो वो डेफिनेशन हम कहां से लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे। अब इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है। ऑब्लिगेशन की सिंपल डेफिनेशन है, इसमें बेसिकली पूछा यही जाता है कि ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन कहां पे दी हुई है, तो ऑप्शन में आपको 2A कहीं पर दिया होगा, उसी को आपको टिक मार के आ जाना है। सेटलमेंट, सेटलमेंट में क्या है, सेटलमेंट में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये सेटलमेंट जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, मूवेबल एंड इमूवेबल या बोथ, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो सेटलमेंट जो डेफिनेशन दी हुई है 2B में एसआरए के, तो वो सेटलमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को किससे रिलेटेड होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी से कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से कि बोथ। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें जो सेटलमेंट की बात की गई वो बोथ, इसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। ट्रस्ट की, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दिया हुआ हो, ठीक है।
ट्रस्टी की भी डेफिनेशन इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ही दी हुई है, और जो डेफिनेशन यहाँ कहीं ना दी हो और वो एसआरए में यूज हो रही हो और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अगर दी हुई है तो वो सेम डेफिनेशन मानी जाएगी जो एस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेम एस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वही डेफिनेशन हम वही लैंग्वेज यूज करेंगे जो आईसीए में दी हुई होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री में क्या है? सेक्शन थ्री में कुछ नहीं है, सेविंग की बात है बस। सेक्शन थ्री इस सेविंग, सेविंग का बेसिकली ये मतलब होता है कि ये एक्ट किस चीज में, ये एक्ट जो है किस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, किस चीज को ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। तो सेविंग में अगर हम देखें तो ये सेविंग में दो चीजें, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसके सेक्शन थ्री का सब क्लॉज वन ये बोलता है, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के अगर उसके पास कोई और राइट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है तो वो एसआरए उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो राइट उसके पास रहेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 73 से 75 तक उसके पास कंपनसेशन लेने का राइट है, ठीक है, तो वो राइट उसका बरकरार रहेगा। वो बाद में अगर एसआरए में उसका काम नहीं बनता है तो वो आईसीए में जाके इसमें केस फाइल कर सकता है। ठीक है, दूसरा है टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, कि ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अफेक्ट को, इस पे भी कोई अफेक्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, ये अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। चलिए सेक्शन फोर कब आ जाता है। सेक्शन फोर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, क्या एसआरए में किसी को, एसआरए में किसी को पेनल प्रोविजन, किसी को पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, तो सेक्शन फोर साफ साफ मना करता है कि आप एसआरए में अगर आए हैं, जैसा कि हम लोग पहले बोल भी चुके हैं, ठीक है, अगर आप एसआरए में आए हैं, क्या बोलता है सेक्शन फोर, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पेनल लॉज। ठीक है, फॉर एन्फोर्सिंग सिविल राइट्स, RIGHTS, नॉट फॉर पैनल प्रोविजन। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है, सेक्शन फोर ये कहता है कि अगर आप एसआरए का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप एसआरए में केस लेके आ रहे हैं तो सिर्फ दो ही चीजों के लिए आ सकते हैं, या इन्फोर्समेंट के लिए या कंपनसेशन लेने के लिए, या दोनों चीजों के लिए। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम लोग का वो केस था, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो अपना हाउस सेल करेगा, बाद में वो नहीं करता है। अब ए क्या चाहता है, ये कहता है ना मुझे कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, ना ही मुझे ये घर अब चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस भी नहीं करवाना है कॉन्ट्रैक्ट को। वो कहता है कि मुझे सिर्फ इसे पनिशमेंट दिलवानी है, ठीक है, पनिशमेंट इसे मिलनी चाहिए, तो इसके लिए कहाँ आएगा, इसके लिए एसआरए में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सेक्शन फोर इसे रोकता है। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट वन हो गया है, तो कल हम लोग जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस 5, 6, 7, 8 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में। ठीक है, और देखेंगे पूरा एक्ट ही होगा ये, या जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो तो कवर की जाएंगी, और कोशिश ये रहेगी कि पूरा एक्ट हो जाए। ठीक है, थैंक यू।